साइला में कांग्रेस कमेटी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। साइला कस्बे के जूना गाला स्थित विश्वकर्मा मंदिर में शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक का निर्वाचन अधिकारी महिप मीणा की अध्यक्षता में आयोजन हुआ, जिसमें पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं की काफी नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक संगठन न होकर परिवार की तरह है। पीसीसी द्वारा मुझे साइला ब्लॉक के संगठन के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव सभी कार्यकर्ताओं की भावना व सहमति से किया जाएगा, जिससे ब्लॉक अध्यक्ष मिलकर कार्य कर सके। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सुझाव दिए हैं उनको आलाकमान तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लाल सिंह भुंडुआ ने साइला थानाधिकारी पर रिश्वत लेकर कार्य करने का आरोप लगाते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पैसे देकर कार्य करवाना पड़ता है ये बात कही। अधिकारी किसी की सुनते नहीं है, जिसे बड़े नेताओं ने लगाया है, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कार्यकर्ता सुनील लाल व देवाराम मेघवाल ने कहा कि पार्टी स्वयं हारने के ही कार्य कर रही है, बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है। एक बार माहौल काफी गर्म हो गया। इस दौरान पूर्व युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुल्तान खान भाटी, सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष भवर सिंह बालावत, सूरजपाल सिंह सुराना, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धांत सिंह धनानी, जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी, नथु खान, सवाई सिंह संपावत, मांगीलाल गर्ग, लस्सीराम माली, इंद्र सिंह साइला, सूर्याराम देवासी, गोपाल देवासी, नवाब खान, देवाराम हनुमान देड़ू, सुनीलाल बागरी, आसू खान सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में तो 34 बस्ती में